हेलो फ्रेंड्स, श्रेया ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पहले मेरे चैनल का नाम श्रेया फैशन था, लेकिन उसका नाम मैंने चेंज कर लिया और श्रेया ब्लॉग्स रख लिया, क्योंकि उसमें मैं एक ही तरह के कंटेंट डाल सकती थी, इसलिए मैंने श्रेया ब्लॉग्स नाम रख लिया। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम ग्रेवी वाले भरवे टिंडे की सब्जी बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने ये 3 बड़ी साइज के प्याज लिए, 2 टमाटर लिए और 4 हरी मिर्ची लिए, थोड़ी अदरक लिए और लहसुन लिया है, और थोड़े से मैंने मूंगफली दाने लिए 1 मुट्ठी करीब, और आधा किलो इसके लिए टिंडे लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो हम प्याज को काट लेंगे और टमाटर वगैरह का सबकी पहले हम पेस्ट बना लेंगे। प्याज को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया और मैंने टमाटर भी बड़े बड़े पीस में काट लिया। मैंने 4 मिर्च ली और लहसुन भी मैंने छील लिया, देखिए, और ये मैंने मूंगफली के दाने सेक लिए। अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई में तेल डाल देंगे थोड़ा सा, और ये सभी इसमें गर्म होने के बाद इन सभी को डाल देंगे और पका लेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा इसको मिक्सी में पीस लेते, पहले पेस्ट बनाते फिर वो पकाते, तो मैं इसको पहले पकाऊंगी फिर इसका पेस्ट बनाऊंगी। तो इससे क्या है, ग्रेवी कच्ची बिल्कुल नहीं रहती, बहुत ही अच्छी ग्रेवी बन जाती है और जल्दी सब्जी बनती है इससे। तो तेल गर्म हो रहा है जब तक हम अदरक के भी बड़े बड़े पीस काट लेते हैं। सबसे पहले मैं अभी इसमें तेल गरम हो गया और प्याज डाल दूंगी। प्याज ये देखिए अच्छे से पक गए और इसका कलर भी चेंज हो गया, हल्के ब्राउन भी हो गए। अब हम इसमें ये हरी मिर्ची और लहसुन और अदरक डाल देंगे, थोड़े से ये पक जाएंगे जब तक, फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे। और फ्रेंड्स, हो सकता है थोड़ा चिमनी चला रखी जो आपको अच्छे से सुनाई नहीं दे, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, चिमनी चल रही है, हल्का सा डिस्टॉर्शन हो रहा है। और जब तक ग्रेवी ये पकते हैं, जब तक हम इन टिंडों को साफ कर लेते हैं। टिंडों को क्या करना, आपको ये चाकू लेना और हल्के से इस तरह से साफ करना है। टिंडों को आप इस तरह से हल्के से साफ कर, ज्यादा आपको छीलना नहीं है, छिलका नहीं उतारना, हल्की सी इसकी ऐसे हल्की सी परत हटानी है, हल्की सी जरा सी, ताकि ये टिंडे अच्छे से साफ भी हो जाते हैं। और अगर आप नहीं हटाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी रख सकते हो। और इस दोनों तरफ से आप इनको हटा दीजिए, छिलके को, इसके बीट को, सभी टिंडों को आपको इसी तरीके से साफ कर लेना, और बीच बीच में आपको इसको भी देखते जाना है। अब हम इसमें ये टमाटर भी डाल देते हैं, ये भी इसमें पक जाएंगे। हल्का सा आप इसमें नमक ऐड कर देंगे, जिससे ये जल्दी ही गल जाएंगे, पक जाएंगे। हल्का सा डालना आपको नमक इसमें, बिल्कुल जरा सा। ये देखिए, हमने जो सब्जियां कटिंग करी वो अच्छे से पक गई है फ्रेंड्स। अब हम इनको 5 मिनट के लिए हम इनको इसी में छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, फिर हम मिक्सर में इसको पीस लेंगे, यानी कि आपको पेस्ट बना लेना है। सभी टिंडे अच्छे से साफ हो गए, छिल गए, अब हम इनको धो लेते हैं। टिंडू को मैंने फ्रेंड्स अच्छे से धो लिए पानी से। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए एक टिंडा मैंने इस तरह से कर दिया है, देखिए इसका क्या किया, हल्का सा मैंने ऐसे काट लिया, ये आपको बता देती हूँ, ऐसे इतना सा आपको काटना है। और फिर क्या करना, आपको इसमें से थोड़ा सा मसाला आपको निकालना है, हल्का सा, इतना सा, और फिर आपको एक चम्मच से इसको इस तरह से गोद लेना, ताकि हम मसाला जो भरेंगे वो अच्छे से इसमें सब तरफ चला जाए और ये अच्छे से पक जाए और इसमें मसाला पूरे में हो जाएगा। ऐसा नहीं रहेगा कि हम खाएंगे तब ये फीका फीका सा टेस्ट आए, फीका फीका टेस्ट इसका बिल्कुल नहीं आएगा। इस तरह से आपको सभी को इस तरह से कर लेना, सभी टिंडू को आपको इसी तरीके से करना, और फिर हम इसमें मसाला फिल कर देंगे। आप बाहर नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, आप अंदर इस तरीके से कर लीजिएगा। आप अंदर कट लगाने से पहले इस तरीके से कर लें तो आसानी हो जाएगी। देखिए, हम जब काम करते 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 हमें अच्छे अच्छे आइडिया आने लग जाते हैं इस तरीके से।
क्योंकि मसाला तो तभी भरा जाएगा जब इसमें जगह बनेगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, इधर कट लगा देंगे, इधर कट लगा देंगे, लेकिन हम उसमें मसाला कैसे भरेंगे। एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि मसाले वाले भरवा टिंडे, और जब इसमें मसाला ही नहीं भरा गया तो फिर भरवा टिंडे कैसे हो गए। तो आप इस तरीके से करें जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे चाहे आप बाहर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अंदर जरूर आप इस तरीके से कर दीजिएगा। ये जब तक हमारा मसाला ठंडा हो गया, अब हम इसको पेस्ट बना लेते हैं, और इधर हम जब तक इनको तैयार करते हैं तब तक इसका पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। और इनको हम थोड़ा सा हल्के से तेल में फ्राई कर लेंगे, जो टिंडे हम तैयार करें उसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, फिर हम मसाला इसमें भरेंगे। अगर हम इसमें मसाला भर के फ्राई करेंगे तो मसाला पहले से ही बाहर आ जाएगा, क्योंकि हम उसमें काफी उलट पुलट करेंगे जब सब्जी पकती है जब। और फ्रेंड्स इसे हम ग्रेवी में ही डाल देंगे, क्योंकि इसको फेंकने का कोई ज्यादा सेंस नहीं है, तो इसमें आप डाल सकते हो। और अब हम इसको पीस लेते हैं, और जब तक पीसता है जब तक हम इसमें थोड़े से टिंडों को हल्का सा तेल डाल करके इसको पका लेंगे, हल्के से पका लेंगे, और बहुत ही इसमें कम तेल डालना आपको। बहुत सारे लोग इसे पानी में भी पकाते हैं, आप चाहे तो इसे पानी में भी पका सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा पानी डाल करके उसमें, मतलब बहुत ज़्यादा पकाने नहीं, आधे पकाने हैं आपको, चाहे वो तेल हो चाहे पानी हो। आप चाहो तो पानी में भी इसे थोड़ा सा आधा पक्का कर सकते हो। अब हम तेल गर्म हो गया, इसमें टिंडे डाल देते हैं। थोड़ा सा हल्का सा आप इस पर हल्का सा नमक डालना, पर ध्यान रखें हर बार हम नमक डाल रहे हैं इसलिए आप सब्जी में बहुत ज़्यादा नमक बाद में नहीं ऐड करें, इतना सा ही देखें हल्का सा, इससे ये अच्छे से पक जाएंगे, इसलिए डाल रहे हैं। हल्के से इसमें फ्राई कर लिया हमने, अब हम टिंडू को बाहर निकाल लेंगे, इसमें मसाला भर देंगे। मसाला भरने के लिए मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाल रखा है इसलिए नमक हम थोड़ा सा ही लेंगे, और थोड़ा सा जीरा पाउडर, एक चम्मच में इसमें चाट मसाला ले लूंगी, थोड़ा सा गरम मसाला ले लेंगे, या तो एक चम्मच ले सकते हो या फिर आधा चम्मच भी ले सकते हो, मैंने करीब करीब आधा चम्मच गरम मसाला लिया। अब हम सभी को मिक्स कर देंगे, दो चम्मच करीब या तीन चम्मच पाउडर हमने इसमें मूंगफली दाना का पाउडर ऐड कर दिया। इसको मैंने सेक करके और पीस लिया हल्का दरदरा सा। अब हम इस सभी टिंडों के अंदर इस मसाले को भर देंगे। आप चाहे तो इसको गीला करके भी भर सकते हो और ऐसे भी भर सकते हो ऐसे, क्योंकि ये तो वैसे ही सब्जी में पक करके गीले हो जाएंगे, तो आप गीला नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से ऐसे दबा करके आप अच्छे से इनके अंदर भर दीजिए, अंदर अच्छे से आप दबा करके भरें इस तरीके से, क्योंकि अंदर से अच्छे से पक गए, इसलिए देखिए बहुत ही अच्छे से ये अंदर चला गया है। इस तरीके से आप सभी टिंडू को भर लें, गीले करने की देखिए जरूरत ही नहीं पड़ी है। देखिए ये देखिए मैंने इनमें करीब करीब एक एक चम्मच मसाला इसमें मैंने भर दिया है देखिए, और अच्छे से ये देखिए, आपको मसाले को गीला नहीं भी करोगे तब भी ये अंदर जाके गीला हो जाता है, क्योंकि ये टिंडे अच्छे से पक गए, इसमें पानी आ गया है, तेल के अंदर पके हैं, तो इसमें आपको गीला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूखा मसाला आप इसमें अच्छे से भर सकते हो दबा के, बहुत ज्यादा मसाला भरने की भी जरूरत नहीं फ्रेंड्स, जैसे मैं भर रही हूँ उतना आप भर दीजिए, क्योंकि ये ग्रेवी के अंदर वैसे ही पकेंगे, वो अंदर चला जाएगा इसके अंदर। और ये देखिए सभी टिंडे हमने भर लिए, अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे, और ये जो हमने पेस्ट बनाया यानी कि जो भी ग्रेवी बनाई उसको हम इसमें गर्म होने के बाद तेल में डाल देंगे। तो थोड़ा सा आपको ऑयल डालना कढ़ाई में, और ये जो हमने मूंगफली दाने पीसे वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे ग्रेवी में। तेल अच्छे से गर्म हो गया फ्रेंड्स, और अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और राई डाल देंगे। और ये ग्रेवी इसमें डाल देंगे। ग्रेवी
ग्रेवी ऑलरेडी हमने पहले ही पका ली, इसलिए ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, थोड़ी सी पकने से ये हो जाए, क्योंकि हमने इसको सब्जी को पहले से अच्छे से पका लिया था, प्याज टमाटर और लहसुन प्याज सब्जी को अच्छे से ऑयल में पका लिया था, इसलिए ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मूंगफली दाने लिए वो भी हम इसी में डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैंने 2-3 चम्मच ये छोटा चम्मच दही लिया, और आपको बिल्कुल खट्टा दही नहीं लेना, नॉर्मल दही रखना, ज़्यादा खट्टा दही नहीं होना चाहिए। इसी में हमें ये जो इसका मसाला बच गया वो भी मैं इसी में डाल दूँगी, और 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च डाल दें, क्योंकि मैंने मसाले में ज़्यादा मिर्च नहीं डाली, 1 चम्मच मिर्च ही डाली, इसे थोड़ी सी मिर्च मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और थोड़ा सा धनिया, हमें इसमें और कुछ ऐड नहीं करना, क्योंकि नमक पहले हमने इसमें भर दिया इसलिए ज़रूरत नहीं है, बस यही आपको लेना है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसी में, कम आंच पर पकने देंगे 5-7 मिनट के लिए इसी। फ्रेंड्स इसमें मैंने दही डाला, इसलिए आप ध्यान रखें कि थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहे, कभी कभार क्या है ग्रेवी फट जाती है दही से, तो आप ऐसे चेक करते रहे, एक बार ग्रेवी पक जाएगी तो फिर ये नहीं फटेगी। देखिए फ्रेंड्स ग्रेवी अच्छे से पक गई, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। इस तरीके से आपको देखिए इस तरीके की ग्रेवी बना लेनी है, ज्यादा आपको अगर पतली ग्रेवी और चाहिए तो आप इसमें और पानी डाल सकते हो, नहीं तो ये काफी है। अब एक उबाल आने देंगे और फिर ये टिंडे इसमें डाल देंगे। ये देखिए अच्छे से मसाला पक गया, इस तरह से बबल्स बन रहे, अब इसमें हम ये टिंडे रख देंगे इसे। ये टिंडा फ्रेंड्स ऐसे ही रह गया था, तो इसको मैं काट करके ही डाल देती हूँ, और इस प्लेट में थोड़ा सा गर्म पानी लेके वो पानी भी इसी में डाल देंगे। 5-7 मिनट के लिए हम इसको ढक करके छोड़ देंगे और ये पक जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ग्रेवी वाले भरवे टिंडे की सब्जी बनकर तैयार होगी। आप अगर चेक करना चाहते हो तो इसे कांटे वाला चम्मच लेके आप इस तरह से चेक कर लीजिए, ये देखिए एकदम से अच्छे से पक गए, देखिए ये आसानी से इससे ये कट रही है सब्जी। तो फ्रेंड्स ये भरवे टिंडे की सब्जी बनकर कंप्लीट हो गई, और आप अब गरम गरम पराठे या चपाती के साथ इसे खा सकते हो, और बहुत ही टेस्टी भरवा टिंडे की सब्जी बनी है हमारी। तो फ्रेंड्स अगर इसी तरह से आपको टेस्टी टेस्टी सब्जी वगैरह बनाना सीखना तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही आप घंटी के बटन को जरूर दबाए ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और आप इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स।